इसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कृष्ण तुम्हार हृदय धर तुम ही दिले। आपको समझ में आ रही बोले कृष्णा किसके हृदय की संपत्ति है? बोले वैष्णव भक्तों का हृदय में ही ठाकुर जी की निवास है। जब ठाकुर जी भक्तों का हृदय में रहते हैं तो ठाकुर जी हमें कौन दे सकते? भक्त ही तो दे सकते ना, वैष्णव दे सकते, क्यों? उनकी ही संपत्ति है। बोले एक समय क्या हुआ, कुछ वैष्णव लोग एक साथ में बैठे हुए थे, बैठे होते उस समय एक वैष्णव ने प्रश्न कर दिया, बोले ये बताओ पृथ्वी में सबसे बड़ा क्या है? तब एक वैष्णव ने खड़े होकर के बोले पृथ्वी में बड़ी क्या? बोले बड़े जगत में ये बड़ा पानी है। बोले पानी कैसे बड़ा? पृथ्वी में तीन भाग पानी और एक भाग मिट्टी है, तीन भाग पानी। अब बता ना पृथ्वी में सबसे बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? पानी, तीन भाग पानी और एक भाग मिट्टी है। तब एक वैष्णव खड़े हो गए, बोले तुमने कैसे बता दिया जगत में पानी ही बड़ा है? बोले पानी तो बड़ा है, पृथ्वी में तीन भाग पानी है ना, एक भाग तो स्थल है। बोले अगर बोले कि पृथ्वी में सबसे बड़ा पानी, मैं तो बोलूंगा पृथ्वी में सबसे बड़ा अनंत देव। बोले कैसे? बोले संपूर्ण पृथ्वी को श्री अनंत देव अपना सर के ऊपर में एक सरिसो जैसे सर के ऊपर धारण करके रखे। तब इतने बड़े पृथ्वी को जो अनंत देव धारण किए तब जगत में बड़े कौन हो गए? अनंत देव। फिर एक वैष्णव खड़ा हो गया, बोले अगर तुम बोलोगे अनंत देव जगत में बड़ा, मैं बोलूंगा उनसे बड़े भोले बाबा। फिर बोले भोले बाबा कैसे? बोले अनंत देव शंकर जी के घर में सांप है ना, सांप कौन है? अनंत देव है, अपना गुरु जी, शंकर जी का गुरु जी अनंत देव, इसलिए अपना गुरु जी को ही शंकर जी भूषण रूप में धारण किया। इसलिए बोलेंगे शंकर जी जो इतने बड़े अनंत देव जो पृथ्वी को सर पर सरसों जैसे धारण किया, गले में जो धारण करते तो बड़े कौन हो गए? बताओ बड़ा कौन हो गया? भोले बाबा बड़े। किसने कहा अगर बोले कि तू भोले बाबा बड़ा तो मैं बोलूंगा उससे तो बड़ा रावण है। बोले कैसे? बोले जब रावण दिग्विजय करने के लिए गया था, देखा शंकर जी कैलाश के ऊपर बैठ करके ध्यान में भजन कर रहे, रावण इतने पराक्रमी था ना, एक हाथ से कैलाश समेत उन्होंने शंकर जी को उठा दिया। शंकर जी ने देखा भैया इतने बड़े कौन है जो पूरा कैलाश पर्वत को खा रहे, किसने दिया? देखा रावण है, ये शंकर जी फिर दबा दिया तो क्या हुआ, रावण का हाथ नीचे दब गया। फिर उन्हें सीम तांडव तभी रावण बोले, तो बड़े कौन हो गए? रावण हो गया, क्योंकि शंकर जी को जो एक हाथ से उठा दे कैलाश समय, बड़ा कौन हो गया? रावण। एक संत बोले अगर तू बोले कि रावण बड़ा तो मैं बोलूंगा तो उससे बड़ा बाली। बोले कैसे? बोले जिस समय रावण दिग्विजय कर रहा था वो बाली तर्पण कर रहा था पानी में, बाली जाकर के ना क्या कर रहा था, उनको डिस्टर्ब कर रहा था, पानी को घोला घोला करके बन रहा था। रावण ने देखा कौन है कि पानी को घोला कर रहा है, देखा रावण उन्होंने बाली पकड़ा एक हाथ से और बगल में ना 6 महीना तक दबा कर रखा है और तर्पण करते रहा। रावण को जब बगल में दबा करके रखा, इतने में रावण ने उनको काटने लग गया। जब काटने लग गया रावण ने, इतने में उन्होंने देखा भैया ये कौन काट रहा है, जैसे चिट्ठी जैसे ना, वो चिट्ठी जैसे काट रहा था। बोले कौन काट रहा है? इतने में रावण जब उन्हें हाथ को ऐसे किया ना, इतने में बाली ने जब हाथ को ऐसे किया, इतने में रावण तो गिरा, गिरकर भागे वहां से, फिर दो बार देखा नहीं। इसलिए जगत में सबसे बड़े कौन हो गया? बाली। किसने बोला जगत में सबसे बड़ा बाली? एक संत फिर खड़े हो गए, बोले तू बाली को कैसे बड़ा कहते हो? अगर तू बाली को बड़ा कहोगे ना, मैं बोलूंगा सबसे बड़ा भगवान राम। बोले क्यों? इतने बड़ी पराक्रमी बाली को एक बाण से जो बाली को मैंने समाप्त कर दिया, इतने बड़े पराक्रम होंगे। इसलिए बताओ जगत में बड़े कौन हो गए? राम। बोले सियावर रामचंद्र की, सबके सब मान गए भैया जगत में सबसे बड़े कौन है? एक संत फिर खड़े हो गए, बोले अगर तू बोलोगे जगत में सबसे बड़े राम, बोले भगवान राम से भी एक बड़े। सब लोग देखने लगे, बोले भगवान से कौन बड़ा हो सकता है? भगवान से कोई बड़े हो सकते है क्या? जगत में प्रभु से थोड़ी कोई बड़े हो सकते है। संत ने बोले मैं बताऊंगा जगत में भगवान से भी बड़े। बोले तुमको कहां से मिला से भगवान से भी बड़े? बोले आप मंगल गीत देखो, कभी जय देव ना मंगल गीत गाए, देखो मंगल गीत में क्या कहते हैं,
बोले जय जय देव हरे, हम लोग तो आगे आगे जा रहे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे,
विश्व ब्रह्मांड को जो वशीभूत करके रखा, लेकिन अगर उनको अपना हृदय में अगर कोई वशीभूत करके रख दिया, कौन रख दिया उन्हें संत? ये साधु लोगों ने अपना हृदय रूपी कतरा में भगवान को जो बांध कर रख दिए, बताओ जगत में बड़ा कौन है? बड़े कौन है? इसलिए उसमें एक कहते हैं इस जगत में सबसे बड़े श्री संत हो गए। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जो प्रार्थना है ना, वही वैष्णव ठाकुर दया रसागर इदा से करुणा कर। इसलिए संत के चरण में प्रार्थना करते हैं, संत लोग अब हम सबको ऊपर में कृपा करो, क्योंकि कृष्ण से तुमार। बोले भगवान किसके हैं? बोले कृष्ण भगवान संतों के कृष्ण हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते साधव हृदय मुह्यम साधु नाम हृदय तु हम मत अन्य ना जानते ना अहम तना। जिस समय दुर्वासा को सुदर्शन चक्र बिछा गया है दुर्वासा जी को, क्योंकि दुर्वासा ने क्या कर रहे थे, अंबरीश जी को मारने के लिए जटा को उखाड़ करके फेंके, लेकिन भक्तों को तो सुदर्शन चक्र रख्या करते हैं, जो एकादशी व्रत रखते हैं सुदर्शन चक्र उनको रख्या करते हैं। सुदर्शन चक्र तो भक्तों को रख्या करते, जो मारने के लिए उन्होंने राक्षस को प्रकट किया, छठ सुदर्शन चक्र प्रकट होकर के पहले तो राक्षस को मारा ही मारा, फिर उन्होंने दुर्वासा को पीछे भागे। दुर्वासा ब्रह्मा जी को पास में गई, ब्रह्मा जी बोले भैया जल्दी भागो यहाँ से, तुमने संत चरण में अपराध किया, और जो सुदर्शन चक्र ठाकुर का है अगर तुम्हें मैं स्थान दूंगा ना, ये ब्रह्म पद मेरा नष्ट हो जाएगा, भैया जल्दी भागो, जल्दी यहाँ से तुम भागो। इसलिए संत चरण में अपराध करने वालों को मैं रक्षा नहीं कर सकता हूँ। फिर भोले बाबा को पास में गए, हैं शंकर जी बोले भैया जल्दी जल्दी यहाँ से भागो, यहाँ से अगर मैं तुम्हें स्थान दूंगा ना क्या होगा, कहते मेरे कैलाश ध्वंस हो जाएगा, सुदर्शन चक्र जला करके राख कर देगा। हाँ मैं एक परामर्श दे सकता हूँ, जिनका चक्र उनको पास में जा सकते हैं। फिर कहाँ पर गए, ठाकुर जी को पास में गए। जब ठाकुर जी को पास में गए ना, ठाकुर जी बोले देखो दया हृदय से होता है ना, दया जैसे दिल से करते हैं ना, दया दिल से करते हैं, हृदय से करते हैं। लेकिन हृदय अगर मेरे पास में रहे तभी तो तुम्हें दया करूंगा, लेकिन हृदय मेरे पास में है, मेरा हृदय तो संतों को पास में और संतों का हृदय मेरे पास में। इसलिए अगर संतों का कृपा लेना हो तो क्या करना, मेरे कृपा लेना हो तो क्या करो, संतों के पास में जाओ, हृदय तो वहीं पर रखा हुआ। इसलिए साधव का हृदय मेरे पास में, मेरे हृदय संत के पास में। इसलिए भैया अगर प्यार में कांटा चुभ जाए ना, सर से नहीं निकलता है, किधर से निकलेगा, वो प्यार से ही निकलेगा। इसलिए तुमने अपराध तुमने अंबरीश को पास में किया, देखो बताओ ये संतों को कितने में। हमारे दुर्वासा जी बोले बोले आप तो हर समय भक्तों का पक्ष लेते हो, हैं आपने देखा नहीं दुर्वासा अंबरीश ने क्या किया, पर देखो तो उसने अभी तो गड़बड़ी किया। बोले क्या गड़बड़ी किया, बोले उसने मेरे को निमंत्रण दिया, द्वादशी का था, एकादशी व्रत करके व्रत खुलने जा रहे थे, नियम है क्या करनी चाहिए, एकादशी व्रत करके जब दूसरे दिन व्रत खोलो ना, कोई साधु को अगर भोजन करा के अगर वो व्रत खोलते हो व्रत का विशेष फल मिलता है, नियम किया संतों की सेवा करके व्रत खोलनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मेरे पास आया, मेरे को निमंत्रण दिया और बोले अब जाओ स्नान करके आओ, भोजन करके क्या करना, फिर मैं व्रत खोलूंगा। इसलिए और मेरे को निमंत्रण दे करके बिना खिलाए उसने खा लिया, अपने खुद का अपराध नहीं देखा, आप केवल साधु का पक्ष लेते हो, मेरे पक्ष नहीं ले रहे हो। जब ये बात बोले बोले ये बताओ उसने जो व्रत खोला था वो व्रत है किसकी, एकादशी किसका व्रत है? इसलिए कहते ना माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन करी, जो एकादशी तिथि है ये कौन है, माधव तिथि, ये तिथि भगवान की तिथि है। इसलिए क्या करनी चाहिए, एकादशी व्रत को जतन पूर्वक पालन करनी चाहिए। जतन पूर्वक मतलब क्या है, नियम है एकादशी का दिन, इसका नाम आज एकादशी है ना, आज का एकादशी का नाम क्या पता है, क्या इंदिरा एकादशी, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, आज का एकादशी जो करेंगे ना खूब माँ लक्ष्मी की कृपा कल माँ मिलेगा, इसलिए ये एकादशी इंदिरा एकादशी है। नियम है एकादशी का दिन, एकादशी मतलब होता है 11, और हमारी 11 इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया,
नियम है ये 11 इंद्रियों को आज का दिन ठाकुर जी को सेवा में लगानी चाहिए, हैं ठाकुर जी को सेवा में। बोले कैसे ठाकुर जी को सेवा में लगाएंगे? एकादशी को दीप, बोले नियम है आज का दीप जितने हम हरि नाम करते हैं आज इतना ज्यादा हरि नाम करते हैं, जितने भक्ति के अंग जाजन करते हैं आज का दिन थोड़ा ज्यादा हरि नाम करो। इसलिए महाप्रभु एकादशी को क्या करते थे? कितना श्री हरि वास हरि हरि कीर्तन एकादशी का दिन ना वो रात भर नहीं सोते थे, सब भक्तों को महाप्रभु लेकर रात भर कीर्तन करते थे, रात भर कीर्तन करते थे। इसलिए आज एकादशी मतलब 11 से है, आज का दिन 11 इंद्रियों के द्वारा आज ठाकुर जी की विशेष विशेष करके ठाकुर जी की हमें सेवा करनी चाहिए। आज जितने रोज हरि नाम करते हैं आज थोड़ा ज्यादा हरि नाम करो, जितना करते हैं उससे आज ज्यादा, एक माला करेंगे ना 100 माला करने का फल मिलेगा, आज कितने महत्व है। इसलिए महाप्रभु रात भर यही एकादशी का दिन सोते नहीं थे, रात भर कीर्तन करते थे। जैसे सत्य युग में ध्यान था, त्रेता युग में यज्ञ था, द्वापर युग में अर्चन था, कलि युग में क्या है? हरि कीर्तन। कलि युग में हरि कीर्तन नियम है, आज का दिन हमको विशेष करके आज हरि कीर्तन करनी चाहिए और एकादश इंद्रियों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा हमें भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो, उनकी सेवा करनी चाहिए हैं। इसलिए कहते बताओ ये व्रत किसकी व्रत है? ये व्रत मेरा व्रत है, वो अपना लिए नहीं कर रहा था, मेरे लिए व्रत कर रहा था हैं। अब थोड़ी सी लेट हो गया तो ये एकादशी का महत्व ज्यादा ना तुम्हारी सेवा की महत्व ज्यादा है, एकादशी खत्म हो रहा था समय, इसलिए मेरे लिए उसने व्रत को खोला और तुमने बिगड़ गया, तो बिगड़ गया। और देखो तुमने किया कि जटा को उखाड़ करके उसको मारने के लिए कोशिश किया, कोशिश किया है ना। जब तुमने ये राक्षस प्रकट होकर उसको मारने गया था, आप बताओ अम्बरीश महाराज वहीं पर खड़े हुए थे ना तुम्हारे जैसे भाग रहे थे, अम्बरीश महाराज क्या कर रहे थे? हाथ जोड़कर खड़े हुए थे, जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह दैरी होई। देखो कितने अब तुमको गृहस्थ गृहस्थ बोलते हो, गृहस्थ तुम त्यागी हो, तब बस वो देखो उसकी शरणागति तो देखो, उसका कितने विश्वास है, रखी सती थी विश्वास, भक्तों का भगवान प्रति पूर्ण विश्वास होता है, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगी। वो हाथ जोड़कर वहीं पर खड़े थे ना भाग रहे थे, खड़े थे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, फिर शंकर जी को रक्षा नहीं किया, अरे कहां तक चले हैं? बैकुंठ तक चले हैं, हम बैकुंठ तक भाग रहे हो, लेकिन देखो वो एक जगह पर खड़े होकर के उसको पूर्ण विश्वास था, अगर भगवान हमें अगर रक्षा करने वाले हैं तो दुनिया में हमारी कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, और तू सारा दुनिया भाग रहे हैं। और जो व्यक्ति है वहां पर कहते, जो व्यक्ति अपना स्त्री पुत्र परिवार मेरे लिए उन्होंने सब कुछ त्याग देते हैं, संत लोग मेरे सुख के लिए सब त्याग देते हैं, बताओ ऐसे संतों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इसलिए ऐसे संतों को मैं छोड़ नहीं दे सकता हूँ। और भगवान कहते हैं, देखो कहते ना स्वभाव ना, बंगला में कहावत है स्वभाव ना जाए बल्ले, मतलब कोयला ना जाए धूले, इसका मतलब जो स्वभाव है ना मरने पर भी स्वभाव नहीं छोड़ता है, हैं? स्वभाव जिसका जो है ना बस अपने आप प्रकट हो जाएगा, कोयला को भले ही इतना धो काला जाएगी, जितने स्वभाव झट कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगा तुम्हारी। कि देखो व्यक्ति कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। आप लोगों को बताओ तो ठाकुर का क्या स्वभाव है? बोलो। कहते भगवान की जो स्वभाव है ना भक्त वत्सल्य, इस सर्वश्रेष्ठ गुण भगवान में भक्तों का पथ्य हर समय ठाकुर लेते हैं, कहते ये भगवान की स्वभाव है। कहते भक्त वात्सल्य तुम्हें छोड़ नहीं सकता, भक्तों की कृपा में कभी छोड़ नहीं सकता है, बताओ मैं कैसे अपना आदत कैसे छोड़ू? इसलिए भगवान क्या कहते हैं, संत मेरे हृदय में रहते हैं संतो, और मैं कहाँ रहता हूँ? संतों की हृदय में मैं रहता हूँ। इसलिए अगर तुम मेरी कृपा बनना चाहते हो क्या करो, संतों के पास में जाओ,
हैं, संतों के पास में जाओ, फिर तो उनको कहाँ तक आना पड़ा, श्री अम्बरीश महाराज के पास में आना पड़ा उनको। तब जब अम्बरीश महाराज के पास में आए तब दुर्वासा कह रहे हैं, आज मैंने संतों की महिमा आज देखा है, संतों की महिमा आज देखा, संतों की कितनी महान आदर्श है, इसलिए मैं जैसे इतने बड़े दुर्वासा शंकर जी के जो अवतार उनको पानी पिला दिया अंदर पूरा। इसलिए जो एकादशी व्रत करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, इसलिए यहाँ पर कहते हैं मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरि। ऐसे जो भगवान को भक्त किया करता है, अपना भक्ति को द्वारा अपना हृदय में भगवान को बंद करके रख देता है, इसलिए संतों की इतने महिमा। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते बार, कृपा करके हैं, अगर ठाकुर को देना चाहे तो वही हमें ठाकुर जी को वही दे सकते हैं। इसलिए कहते हैं आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली ढाई तब पाछे पाछे, हम एक कृष्ण प्रेम का कंगाल हूँ, ये संतो आप कृपा करके आपको पीछे 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 चलता हूँ, ढाई मतलब आपको पीछे 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 दौड़ता हूँ, आप हमें कृष्ण हृदय हृदय के धन आपकी है, कृपा करके आप हमें कृष्ण को प्रदान कर। इसलिए जो बंगला कीर्तन है ना, बंगला कीर्तन में बड़ी रहस्य है, बहुत भक्ति ठाकुर ने, मेरे गुरुदेव कहते थे हम अगर वेद पुराण इतिहास को पढ़े जो चीज ढूंढ नहीं सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी एकदम सरल भाषा में उन्होंने ये बंगला कीर्तन में दे दिया। इसलिए क्या करो, रोज रोज अपना घर में जो गुरु वर्ग ने जो कीर्तन लिखा है ना, ये कीर्तन को रोज करनी चाहिए, कीर्तन को रोज करनी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो क्रमेण रसना मनस निजज्य तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिल ईद उपदेशा। गुरुदेव जब कभी कभी कम शब्द में जब गुरुदेव बहुत कुछ बताना चाहते थे, गुरुदेव क्या करते थे, वो एक श्लोक को गुरुदेव व्याख्या करते थे, कहते जितने उपदेश में ये समस्त उपदेश में सार किया है, बोले यही सार है, बोले क्या है, बोले तन्नाम। पहले हमारी जो निष्ठा है किसमें निष्ठा होनी चाहिए, बोले भगवान की नाम निष्ठा सबसे हमारी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हमें नाम कलियुग में भगवान नाम रूप में ही, ठाकुर जी कलियुग में नाम रूप में आए हैं, इसलिए पहला हमारी निष्ठा भगवान की नाम में होनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव जब हमें दीक्षा मंत्र हरि नाम देते हैं, गुरुदेव ने हमने क्या दिया बताओ, गुरुदेव क्या दिया, माला दे दिया, आप क्या दिया, गुरुदेव ने माला दे दिया बेटा, तुम हरि नाम करो, यही तो गुरुदेव ने दिया है ना, और क्या दिया गुरुदेव ने, माला दे दिया। कहते माला नहीं दिया गुरुदेव, हमें कृष्ण दे दिए। गुरुदेव कहते थे गुरुदेव माला नहीं दिए, गुरुदेव हमें कृष्ण दे दिया, ये माला रूप में ठाकुर जी को दिए। इसलिए क्या करनी चाहिए, गुरुदेव कहते थे भैया माला को निष्ठा पूर्वक हरि नाम करो, माला को भूखे मत रखना, क्या नहीं रखना, भूखे मत रखना, मतलब क्या, ऐसे नहीं जब इच्छा हुआ माला कर लिया, नहीं तो माला जहां के तहां लटक रहा है, हैं? माला में चूहे हो गए, चूहे घोसला कर दे। इसलिए कोई हमारे मंदिर में कोई एक ब्रह्मचारी आया था, वो छोटे बचपन में आया है, उसने क्या गुरुदेव माला दिया, जब माला दे दिया वो माला कर किया नहीं क्या, तो चूहा ने जाकर उस मंदिर में बच्चे दे दिया, किसने जाकर गुरुदेव को बोल दिया, गुरुदेव हमको जो ब्रह्मचारी, वो नया बच्चा था, इतने ज्ञान नहीं था उसको, उसमें बोले गुरुदेव उसके जो माला लटका कर दिया उसमें चूहे बच्चे दे दिया, तब गुरुदेव ने माला को मेरे पास में लिया, माला लिया बोले गुरुदेव बच्चे बचपन में आया मंदिर, तो बोले बेटा तुम रोज माला करते, बोले हाँ करता, बोले माला कहाँ पर लिया, माला लेकर क्या बोलते, देखो ढूंढने के लिए गया माला दिखाई नहीं, वह माला है ही नहीं माला, तब गुरुदेव ने बोले ये माला किसकी है, बोले तुम्हारी, बोले हाँ, बोले कितना देर से तुमने माला नहीं किए हो, हैं? देखो इसके अंदर में चूहे घोसला कर दिए, वो छोटा बच्चा था, गुरुदेव शिक्षा दे रहे थे, इसलिए गुरुदेव बोलते थे माला को कभी भूखा नहीं रखनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे अगर एक दिन तुमने माला नहीं किया, मतलब है ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदलाए, ठाकुर जी स्नान नहीं किए, हैं? इसलिए भूखे, इसलिए गुरुदेव कहते थे खुद भूखे रहना,
लेकिन माला कभी भूखा नहीं रखना। इसलिए महाप्रभु रोज क्या करते थे, हरिदास ठाकुर जी को, हरिदास ठाकुर मुसलमान कुल में जन्म लिए, जगन्नाथ मंदिर में नहीं जा पाते थे, रहते थे सिद्धव कुल में, लेकिन देखो नाम की महिमा, देखो दिन में कितना नाम करते थे, 3-3 लाख हरिनाम करते थे, 3-3 लाख हरिनाम करते थे अपवित्र रूप में। जब तक 3 लाख माला पूरी नहीं हो जाए ना, तब तक हरिदास ठाकुर भजन नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ, एकदम वृद्ध, एकदम बिस्तरा में पड़े हुए, उठने का ताकत नहीं, महाप्रभु रोज क्या करते थे, जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद ला करके देते थे। यहाँ शिक्षा देते हैं, जिसको अंदर में नाम निष्ठा हो जाए ना, नाम निष्ठा जिसको अंदर में आ जाए हैं, नाम को ही अपना जीवन बना दे अगर कोई जीवन में, तभी क्या होगा, साक्षात भगवान जगन्नाथ जी को अचल और महाप्रभु सचल जगन्नाथ स्वयं ठाकुर जी क्या करते थे, महाप्रभु प्रसाद ला करके उनको रोज देते थे, महाप्रभु दर्शन देते थे रोज, जगन्नाथ भी महाप्रभु है रोज दर्शन देते थे। इसका मतलब क्या है, कहते भक्ति के प्रेम का एक लक्षण है श्री कृष्णा कर्षणी चसा, मतलब क्या है, जैसे फूल खिलने पर यदि ये फूल भौरा को पास में नहीं जाता है, भौरा क्या करता है, स्वयं फूल को पास में आता है। अगर तुम्हारी भक्ति में अगर इतनी निष्ठा हो, अगर तुम्हारी नाम निष्ठा हो ना, ठाकुर जी स्वयं क्या करेंगे, तुम्हारी पास में ठाकुर जी आएंगे। इसलिए महाप्रभु रोज साक्षात आकर के दर्शन देते थे, प्रसाद देते थे, भगवान स्वयं प्रसाद ला कर देते थे, ये कोई साधारण बात, ठाकुर जी स्वयं ला करके किसको, दुनिया भगवान को खिलाता है, भगवान स्वयं ला कर खिला रहे, क्यों, नाम निष्ठा है। हरिदास ठाकुर अंतिम समय था, यहाँ पर गुरुदेव दत्त कैसे निष्ठा होनी चाहिए, अभी अंतिम समय शरीर छोड़ने वाले, महाप्रभु प्रसाद लाए, हरिदास प्रसाद लो, हरिदास ठाकुर कहते हैं, बोले प्रभु आज हम प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकते, बोले क्यों, बोले आज मेरी संख्या माला पूरी नहीं, कितना माला करते थे, 3 लाख, बोले आज मैंने 3 लाख माला हमने पूरी नहीं कर पाई, इसलिए आज हम भजन नहीं कर सकते। महाप्रभु बोले हरिदास अभी वृद्ध हो गए हो, सारा जीवन तुमने 3-3 लाख हरिनाम किया, अभी वृद्ध हो गए, थोड़ा कम तो करो माला, देखो बहुत बड़ी शिक्षा दी है। कहते प्रभु शरीर मोर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, मतलब क्या है, शरीर तो मेरे चंगा है, शरीर कोई अस्वस्थ नहीं, बोले प्रभु मेरी जो बुद्धि अस्वस्थ है, ये बुद्धि बड़ा बदमाश है, हैं? ये बड़ा बुद्धि बड़ा बदमाश, शरीर तो बढ़िया लेकिन शरीर अच्छा नहीं था, वो अंतिम स्थिति में थे, वो हम लोगों को शिक्षा देते हैं। अब देखना अगर कोई सीरियल आता है ना, उल्टा पुल्टा 3-3 घंटा बैठे सीरियल देख लेते, स्मार्टफोन मिल जाए तो पता नहीं घंटा घंटा बीत जाती है, अगर इसको बुराई चुगली हो ना, पता नहीं इससे तो बढ़िया बढ़िया मीठा दुनिया में कुछ नहीं, ये चुगली ऐसा की चीज है, आप देखना इससे तो बढ़िया मीठा दुनिया में कुछ है नहीं, घंटा घंटा उसमें चुगली में सबसे मीठा चुगली मिलती है, लेकिन बोलो हरिनाम करने के लिए, बोले समय कहाँ है, सब भजन कर लिए सब। इसलिए यहाँ पर वो शिक्षा दे रहे हैं, शरीर मर सुस्त है असुस्त बुद्धिमान, बोले शरीर तो अच्छा लेकिन जो मन है ना, ये इतने दुष्ट ही है मन, इसलिए प्रभुपाद कहते थे सवेरे उठो और अपना जूती लेकर के ना अपना मन को पहले 100 बार पीटो, मतलब कि अपना मन को समझाओ, बोले मन दिन भर हरिनाम करना, गुरु वैष्णव का सेवा करना, ठाकुर जी का भजन करना, दिन भर उल्टा पुल्टा चीज में मन को नहीं लगाना, गंदी चीज में मन को लगाना नहीं, इसका मतलब है, हैं? इसलिए हमारे भक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज जगत में इनकी पूजा क्यों हो रही, क्या है जरूरत, क्या है, क्योंकि जब तक 1 लाख माला नहीं कर लेते थे गुरुदेव सबरे कोई भजन नहीं करते थे, 1 लाख माला पूरी करके तब कोई भजन करते थे, अगर कोई 16 माला करता है ना तो सवेरे से लेकर शाम तक खत्म नहीं होता, अगर कोई 8 माला करता है ना दिन भर भी माला लेकर खत्म नहीं होता, लेकिन वो क्या करते थे, जब तक 1 लाख महाराज पूरी माला नहीं करते थे, जब मैं था मथुरा में गुरुदेव रहते थे, गुरुदेव मैं देखा जिस समय गुरुदेव क्यों नहीं सोए ना, जितने समय सोए क्यों नहीं, कभी कभी देख रहे जन्माष्टमी कितना समय, रात 12 बजे अभिषेक होता है, 12 बजे फिर प्रसाद से एक, हमने जो गुरुदेव को देखा भले 1 बजे क्यों नहीं सो जाए, लेकिन 3:30 बजे उठना है, 3:30 बजे उठ जाएंगे, उठ करके अगर पास में कोई सोया हुआ हो
किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैं कभी कभी गुरु जी को पास में सोए, कभी कभी है पास में सोए, लेकिन कभी अगर माथा मार के मैं सोए, गुरुदेव किसको बुलाएंगे नहीं, जाकर के हाथ मुँह धो देंगे, हाथ मुँह धो करके अपना घाट के ऊपर बैठ जाएंगे, पास माला लेकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुदेव पूरा 9 बजे से पहले, गुरुदेव हमारे जो प्रेमानंद प्रभु थे, जैसे वो भंडार के काम करके सब्जी लेने जाते थे, गुरुदेव को पैसा मांगने जाते थे, गुरुदेव पैसा दो मैं मार्केट ही करके आऊंगा, गुरुदेव बोलते जब तक 1 लाख माला पूरी नहीं करूंगा मेरे पास में आना नहीं, जब मैं 1 लाख माला पूरी कर लूंगा तभी मेरे पास में पैसा लेने के लिए आए। क्यों? मंदिर में हम भजन के लिए आए, घर बार पिता माता छोड़ करके भजन के लिए आए, पहले माला फिर भजन बाद में भोजन है, पहले क्या है, पहले भजन उसके बाद में भोजन है। इसलिए मतलब गुरुदेव की माला में इतने गुरुदेव की निष्ठा होती थी, इसलिए हमारे जो ब्रह्मचारी होगा ना ऐसे नहीं कोई उठाए नहीं तो उठे ही नहीं, सोते रह जाए हैं, सोए रहे और सवेरे उठे हरिनाम में पहले प्रसाद, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, पर जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, कुछ लाभ होने वाले हैं, इसलिए हमें कोई उठाने का जरूरत नहीं, ऐसे नहीं रात भर इधर उधर करे और सो जाए और सवेरे उठे जब समय हो, नहीं, हम लोगों को क्या करनी चाहिए, अपना हरिनाम पर निष्ठा रखनी चाहिए, अपना टाइम पर उठकर कितने बजे, जिस गुरुदेव है गुरुदेव का शिष्य मतलब क्या है, क्या गुरु जी से मंत्र लेने से कोई शिष्य हो जाता है, नहीं शिष्य नहीं होते, जब गुरुदेव का आदर्श को जीवन में नहीं ले मंत्र लेने से कुछ नहीं होता, इसलिए शिष्य तो वही जो शासन को स्वीकार करे, गुरुदेव का आदर्श को जो ग्रहण करते हैं, इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें उठाने का जरूरत नहीं, हम स्वयं टाइम पर सोए और ऐसे नहीं गुरुदेव हमको आकर उठा, ये कलयुग के चले हैं सबके साथ, गुरुदेव आकर के हम उठाना पड़ता है, नियम है शास्त्र में बताया, गुरु जी को सुलाने के बाद सोए, गुरुदेव की सेवा करते हुए भगवान राम जब विश्वामित्र साथ में गए तो हमें सिखा देते हैं, रामचरित मानस में बताए राम लक्ष्मण भगवान कब सोते थे, गुरुदेव को प्यार दबा करके, गुरुदेव के पास में पानी रख करके, लोटे रख करके, गुरुदेव को सेवा करके, चरण दबा करके सोते थे, कौन राम लक्ष्मण, उठते थे कब, गुरु जी उठने से पहले उठ करके गुरु जी की सारे सेवा की वस्तुओं को वहां पर रेडी, जब गुरुदेव उठते थे सब सेवा रेडी है, इसने भैंस जैसे सोते रहे जब 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 उठे उठे, नहीं ये शिष्यों का लक्षण नहीं है, ये शिष्य पूर्व है सबके साथ, ये शिष्य नहीं है, इसलिए शिष्य वो है जो शासन को स्वीकार करे, गुरु जी के पहले उठे, उठ करके सिंसियर बने हरिनाम में भजन में है, भोजन तो तीन तीन चार चार बार करेंगे, भजन में कहते ना कलयुग का जो जीव है कहते हैं भोजन के हरी भजन में आलस और भोजन में होशियार, हाँ भोजन में होशियार, भोजन का समय बड़े होशियार है लेकिन भजन में आलस है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए भजन में होशियार होनी चाहिए, किसमें होशियार होनी चाहिए, भजन में होशियार होनी चाहिए, इसलिए अपना संख्या माला को नियम से करके कहीं भी जाए, मंदिर में तो 4 बजे उठ जाते लेकिन जो बाहर जब जाए जब सोते रहे ऐसे क्यों भैया, इसलिए पहले थोड़ा उठो, उठ कर थोड़ा माला करो, हरिनाम करो, संख्या पूर्वक हरिनाम करो, इसलिए हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, कहते हैं मन दुष्ट है, ये दुष्ट मन सारे काम के लिए अगर कोई गेम खेलो ना उसमें 2-2 घंटा बिता देते हैं, गेम खेल 2-2 घंटा उसमें बिता देते हैं, ये भजन का लक्षण थोड़ी है, घर में थोड़ी छोड़ कर गया है, इसको हम खुद कहते हैं कली, लेकिन खुद कली में लग जाते हैं बैठ करके, भैया कौन सा साधु का लक्षण है, इसलिए ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या इतना हमारे पास में समय जो गेम के लिए समय है, इतने ग्रंथ पढ़ा हुआ, इतने हरिनाम दिया गुरुदेव ने, उसमें नहीं लगे गेम पे समय दे दो, नहीं एकदम गंदी चीज में मन नहीं लगानी चाहिए, हमें भगवान के भजन में मन लगानी चाहिए, इसलिए आज गुरु जी की इतने जगत में क्यों प्रतिष्ठा है, क्यों गुरु जी की सारा दुनिया में क्यों पूजा कर रहे हैं, कारण है उनको भजन में निष्ठा थी, भजन में उनकी निष्ठा थी, हरिनाम करते थे, इसलिए कहते इतावत जन्म साफल्यम देहिनाम देहि सुखो, अभी तक तुम्हारे जितने जीवन बीत गए हैं ये सारे जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी, प्राण अर्थ धीय वाचा श्रेय आचरण मिश्रता, अगर इसी जीवन में हम भगवान के अगर भजन कर दिया, भक्ति कर दिया,
अभी तक जितने जीवन गए सारे जीवन तुम्हारे धन्य हो जाएगी, सारे जीवन धन्य हो जाएगी। इसलिए पहला बोले तन्नाम, पहले निष्ठा किस में होनी चाहिए? हरि नाम में। हमारी निष्ठा हरि नाम में होनी चाहिए, इसलिए तन्नाम रूप। उसके बाद भगवान की रूप, जो सुंदर भगवान की जो स्वरूप है, रूप चरितादि उनकी गुण महिमा, उनकी कीर्तन। इसलिए तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, क्या करो इसको? बड़े प्रेम पूर्वक उसको कीर्तन करो। बोले भजन कैसे करनी चाहिए? बोले तिष्ठन प्रजे तदानुरागी जनानुगामी। बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले वृंदावन में रह करके भजन करो। कहाँ रहकर भजन करे? बोले कि अगर सब वृंदावन में चले जाएंगे भैया फिर भोजन कहाँ से आएगा? है सब अगर छोड़ करके वृंदावन में चले जाए फिर तो फिर भोजन कहाँ से आएगा? पैसा के बगैर भजन नहीं होगा। अब भूखे ना भजन हो ही गोपाला, ले ले तेरी खट्टी वाला। अब कहे तो वृंदावन में रहकर भजन करो। लेकिन यहाँ पर श्री भक्तिवृंद ठाकुर क्या कहते हैं? बोले जेती नगरी है भजन देखी प्रसाद सेवा प्रभु जी आ जा प्रभु जी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जे दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भगवान। देखो ये चीज अच्छे तरह समझो। इसमें कहते भैया वृंदावन कहाँ है? हैं? बोले जे दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भगवान। जिस दिन हमारे घर में ठाकुर को जैसे पूजा है, सेवा है, तुलसी परिक्रमा, भगवान घर में भगवान का कीर्तन कथा होना, कहते वही घर ही वृंदावन है। वो घर क्या है? वो घर ही तुम्हारी वृंदावन है। ये मत समझो वृंदावन और कहीं है। वृंदावन में क्या चोर छोटे गुंडा बदमाश ज्यादा ही देखोगे वृंदावन। बांके बिहार कभी जाओ पकेट में पैसा लेकर के एक तरफ में घुसो दूसरे तरफ निकलो ना पकेट खाली तुम्हारी, पकेट तुम्हारी रोज एक चेयर पे रखेंगे चेयर। इसलिए उन्होंने इसलिए कहते वृंदावन में अब जाओ है वहां पर भी चोर है, वहां पर भी पकड़ मार हुए हैं, वहां पर भी बदमाश लोग हैं। क्या फिर वो वृंदावन में रह रहे हैं क्या? वो क्या वृंदावन में रह रहे हैं क्या? वो वृंदावन वास नहीं हो रही उनका। इसलिए वृंदावन कहाँ पर? बोले यदि न गृह भजन देखी, अगर हम अपना घर में ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, जैसे ठाकुर जी को अगर घर में हम आरती उतारते हैं क्या करनी चाहिए? सवेरे नहा धोकर के घर में ठाकुर जी को आरती उतारनी चाहिए। अपना घर में आरती उतार करके रोज तुलसी परिक्रमा करो, घर में रोज थोड़ी सी कीर्तन करो, और कोई सद ग्रंथ को पूरा परिवार थोड़ी समय के लिए बैठो, बैठ करके कोई सद ग्रंथ को पाठ करो। और परिवार बैठ करके क्या करे? सबके सब घर भगवान की कथा सुनो, और अपना कुछ जो माला करते हो माला करो। अगर घर में जो कुछ बनाते हो ठाकुर को समझो, ठाकुर को भोग लगेगा। घर में झाड़ू लगाते हो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? बोले भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए कहते ब्रह्मा जी कहते ताबत रागा धागा दयो, कहते कब तक ये संसार माया की संसार? ब्रह्मा जी कहते हैं बोले जब तक तुम अपना मैं मेरा करते हो, लेकिन जब तुम भगवान के लिए सब कुछ करते हो फिर तो वो घर घर नहीं वही घर ही तुम्हारी वृंदावन धाम है। तब तक जो राग जो प्रेम है तब तक ये चोर है, कब तक? जब तक तुम भगवान को छोड़ करके दूसरे के लिए करते हो। यही प्रेम को यही काम को जब तुम भगवान की सेवा में लगा देते हो फिर क्या होता है? यही भगवत प्राप्ति का कारण बन जाता है। इसलिए कहते किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, हर चीज को भगवान की भक्ति में जोड़ दो। किसी चीज को छोड़ मत, हर चीज को ठाकुर की सेवा में जोड़ दो। इसलिए बोले तिष्ठा न प्रजे, कहाँ पर रहकर के भजन करनी चाहिए? बोले वृंदावन में। मतलब प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद कहते थे मैंने राधा रानी की जो निकुंज मंदिर ही
मैंने ये गौरी मठ रूप में प्रकटित कर दिया है। इसलिए मेरे जो गृहस्थ भक्तों का जो घर है, जो गौरी मठ नहीं, यही राधा रानी थी गोलोक वृंदावन की, ये निकुंज मंदिर है। जैसे राधा रानी के निकुंज मंदिर में क्या होता है, मंजरी सखी सब सबरे सबरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके जैसे ठाकुर का आरती करते हैं, हमारे मंदिर घर में भी हम ठाकुर का आरती करते हैं। वहां पर जैसे गोपियां ठाकुर मंजरी सुंदर सुंदर फूल माला किसके लिए बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। अगर हम घर में रह करके अगर ठाकुर जी के लिए अगर हम सेवा करें, फिर क्या है, एक घर ही हमारी वृंदावन धाम बन गया है, हमारी वृंदावन धाम बन गया। इसलिए क्या करो, अपना घर को ही वृंदावन का स्वरूप अपना घर कर लो। अपना घर में बैठ करके अच्छे तरह से ठाकुर का सेवा पूजा करो, ठाकुर का भक्ति करो, भजन करो, घरे तुम्हारी। इसलिए तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, उसमें जो एक मुख्य चीज को जो बताते हैं, हमें किसकी अनुगत अनुगत किसको करनी चाहिए, बोले तदानुरागी जना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि जो ऐसे जो भक्त हैं, जो ठाकुर जी के चरण में जिनके प्रेम है, जिसके अनुराग, जो ऐसे जो संत हैं, यदि इनके अनुसरण करो, सबसे बड़ी चीज है। जो कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। हमारे हृदय में भगवत भक्ति रूपी बीज को कौन बोएगा, हृदय में भावना को कौन जागृत करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, एका किया मार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन की, इसलिए भक्त विनोद ठाकुर जैसे प्रभु एका किया मार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन अकेले। कलि युग में विशेष करके संघे शक्ति, अकेले भक्ति नहीं कर सकते, कलि युग में संघे शक्ति। जैसे आज देखो सब भक्त लोग आए कीर्तन कर रहे हैं, तब तो आनंद आ रही ना, अकेला होता तो क्या करता है। इसलिए कलि युग में अकेले भजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोले संघे शक्ति, तो संघ हो। जैसे वैष्णव का लोग आए कीर्तन किया हरिनाम किया भजन किया, तो उसमें शक्ति आती है वैष्णव साथ में। इसलिए यहाँ पर तदानुरागी जनानुगामी, जो ऐसे भगवान की जो भक्त है उनकी अनुगमन करनी चाहिए, उनके अनुसरण में अगर भक्ति करेंगे तो फिर भक्ति हमारी हरी भरी भक्ति रहेगी। और विशेष करके कहते हैं कृष्ण रस भाविता भक्ति क्रियता कुत्तापि यदि लभ्यते तत्र लौल्य मूल्य वैकलम कोटि सुकृति अपन लभ्यते। देखो यहाँ वैष्णव संघ का कितनी बड़ी बात है, बोले भक्ति कब होता है, भजन कब, बोले सुकृत ही पूर्व संचित है, ये पूर्व संचित सुकृति से ही भगवत भक्ति हमारी रुचि जन्म। लेकिन यहाँ पर कहते हैं अगर किसी भाग्य क्रम से ऐसे भक्त तुम्हें मिल जाए जिनकी मति कृष्ण रस भाविता मति, जिनकी गुरुदेव उदाहरण देते थे जैसे कि रुई को पानी में डुबो ना, जैसे उसकी कण कण में पानी समा जाती है। रसगुल्ला खाए हो, कौन कौन रसगुल्ला खाए, सब खाए। जैसे देखना उसको जब सिराप में डुबा देते ना, उसका कण कण में रस चल गया, तब तो रसगुल्ला कहते हैं ना। इसलिए जब रसगुल्ला खाओ कितना बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है ना। जिसके यही सही जिसका कण कण में जैसे मीठा समा जाती है, कहते अगर ऐसे कोई भक्त हमें मिले जिनकी कण कण में ये कृष्ण भक्ति रस जिसके अंदर में पूरा भरपूर हो, अगर ऐसे भक्त अगर जीवन में मिल जाए ना, कहते कोटि सुकृति अपन लभ्यते, जो सुकृति को तरह भक्ति करती है, अगर ऐसे भक्त संग अगर मिल जाए ना भैया, करोड़ सुकृति से जो चीज नहीं होती है, ऐसे भक्त का संग से वो चीज प्राप्त होता है। कहते कृष्ण रस भाविता, अगर कोई राधा रस भाविता हो, जिनकी भक्ति राधा रानी के चरण में निष्ठा हो, जैसे हमारे श्रीला भक्ति विदान श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज, और हमारे जैसे गुरु परंपरा है महापुरुष जो धारा में जो संत लोग आए हैं, विशेष करके राधा जी की भक्ति में जिनकी विशेष रुचि, अगर ऐसे संतों का संग हो जाए तो बस कहना क्या, माला ही माल है, है? माला माल है। इसलिए क्या करनी चाहिए जीवन में, मेन जो वस्तु है ना वैष्णव का संग है, वैष्णव का संग से ही हमारी भावना भक्ति आगे धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए भक्तिमन ठाकुर हमारे गुरुदेव कहते थे एक एक कीर्तन में उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बात बताई, मेरे गुरुदेव कहते थे हमको वेद पुराण उपनिषद पढ़ करके भी वो चीज ढूंढ नहीं सकते,
जो चीज भक्ति विनोद ठाकुर बड़ी सुंदर भाव से ये शरणागति कल्याण कल्प करो ये सब प्रार्थना में उन्होंने जो भजन में लिखे। मेरे गुरुदेव कहते थे अगर कल पूरा कीर्तन छोड़ दो, मेरे गुरुदेव कहते थे भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर का, उनको कीर्तन का कोई एक लाइन अगर कोई जीवन में उतार दे, गुरुदेव एक लाइन अगर कोई जीवन में उतारते ना जीवन धन्य हो जाए। गुरुदेव कहते एक लाइन अगर कोई जीवन में उतार दे, इतने महत्व तो ये बंगला कीर्तन की। इसलिए क्या करना, घर में बैठ बैठ कर भगवान भजन करना, भक्ति करना, ठीक है ना। और क्या करना, जैसे सवेरे जैसे तुलसी है ना, जैसे तुलसी की हम परिक्रमा करते हैं, ये कीर्तन रोज कर लेना। कौन सा कीर्तन करते हैं, बोले जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन कीर्तन। अगर एक कीर्तन आप कर लिया ना, देखो नरोत्तम दास ठाकुर एक कीर्तन में क्या उन्होंने किया, पूरा आपका पूरा वृंदावन याद हो जाएगा। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद गोपीनाथ मदनवन राधा गिरिराज गोवर्धन सारे एक कीर्तन में सबका स्मरण। और एक कीर्तन हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय गोपाल महाप्रभु भक्तों का नाम है। इसलिए हमारे मंदिर में रोज मंगल आरती के बाद में जय राधे जय कृष्ण, जब कथा जब समाप्त होता है हरे 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 नम कृष्ण जागरण कीर्तन। अगर ये कीर्तन को और जो कीर्तन है वृंदावन वासी ये कीर्तन कर लिया ना सारे वैष्णव का यार, सब वैष्णव का पहले जो हो अभी जो है बाद में जो होंगे सारे नवदीप वृंदावन सब भक्तों का नाम। इसलिए हमारे जो गौड़ी मठ में जो गुरुवार ने जो एक एक जो कीर्तन चुना है ना बहुत अद्भुत कीर्तन। अगर घर में बैठी बैठी कर सब कीर्तन घर में ना बस वृंदावन में रह रहे हो, कहा रह रहे हो माला ही माला हो गया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं घर में कहीं भी रहो लेकिन भगवान की भक्ति करते हुए रहो, जहाँ भक्ति करोगे वही तुम्हारी वृंदावन धाम हो जाएगा, ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गुरुपाद पद्म की, श्री सचिनंदन गौर हरि की, दिखाई गौर प्रेमानंद श्री कृष्णदास प्रभु जी आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुंदर सुंदर हरी कृष्णदास प्रभु जी आपको देख दर्शन नहीं कर वैष्णव दर्शन नहीं कर चेयर हो तो देखिए चेयर अंदर होगी ना गुरुदेव के रूम में चेयर आ रही अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सब श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके इष्ट की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रील महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। अभी हम लोग महाराज जी से बड़ी सुंदर हरी कथा श्रवण कर रहे थे। श्रील महाराज जी ने अभी जो श्लोक बताया बहुत ही सुंदर श्लोक है। वो उपदेशामृत जो है, ये उपदेशामृत क्या है जो महाराज जी ने श्लोक बताया, वो उपदेशामृत का श्लोक है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको बता देते हैं। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, अपने लगभग अंतिम समय में सब समय राधा जी के भावों में आविष्ट रहते, राधा जी के भावों का आस्वादन करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। तो एक समय चटक पर्वत को गिरिराज जी समझकर बड़ी तेजी से महाप्रभु दौड़ रहे थे, फिर भक्त लोग पीछे पीछे दौड़े उनको पकड़ने के लिए, थोड़ा भाव भंग हुआ। और कभी समुद्र को देख करके यमुना जी समझ करके उसमें छलांग लगा देते थे। उस समय फिर महाप्रभु को थोड़ी जब बाह्य दशा हुई तब उस समय सारे भक्तों ने उनको घेर लिया चारों ओर। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही अपने मुख से भक्तों को ये सारी शिक्षाएं प्रदान की। उसी को श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उपदेशामृत के रूप में संकलन किया। अर्थात देखो, हम लोग कृष्ण भक्ति करना चाहते, कृष्ण भक्ति करने के लिए क्या करें हमको तो पता नहीं, इसीलिए स्वयं कृष्ण ने ही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए ये सारे उपदेश प्रदान किए हैं। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण ही है, और स्वयं कृष्ण ही उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि देखो अगर तुमको कृष्ण को प्राप्त करना है तो तुमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए प्रारंभ किया वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपष्ट वेगम। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके लिए कृष्ण की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि स्वयं कृष्ण ही बोल रहे हैं। भागवत धर्म क्या है? हम लोग अभी 7 दिन तक भागवत श्रवण किया, कोई बता सकता भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? भागवत धर्म किसे कहते हैं? भागवत में स्वयं ही बताया, ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये कुंजाम अविदुषाम अंजा कुंजाम कुंसाम अविदुषाम विद्य भागवता नीताम। ये वही भागवता प्रोक्ता स्वयं भगवान ने जो उपाय कहे हैं, उपाय आत्मलब्ध है, अपनी प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान ही उपाय बता रहे हैं। किसके लिए? अविदुषाम, जो जगत के जीव हैं, अज्ञानी जीव जिनको कुछ भी पता ही नहीं है कि भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। जगत में देखो जरा, बहुत सारे 99% लोग देवी देवता इधर उधर उपासना करके सब रास्ते एक ही ओर जाते, तो सब रास्ते एक ही ओर जाते तो भगवान को फिर फालतू में यहाँ आने की जरूरत क्या थी? उनको अपने मार्ग खुद बताने की उपदेश देने की जरूरत ही क्या थी? सारे मार्ग तो एक ही ओर जाते हैं, भगवान को ये बात पता नहीं है? भगवान को ये बात पता नहीं सारे मार्ग एक ही ओर जाते हैं? हमको पता है, हम भगवान के भी क्योंकि पिता। ये सब मूर्खता वाली बात है। भगवान ने सारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर ऐसी बातें कही गई है, गीता में तो स्पष्ट रूप से ही बोला है। एक एक चीज को भगवान ने समझाया कि लोग अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हैं। कामैस्तैस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमामिष्टाय, क्या है कामैस्तैस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अर्थात जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हर ली गई है, बहुत सारी भोग करने की इच्छा है, कृष्ण से मांगेंगे तो देंगे नहीं। क्यों? कृष्ण सब समय हित चाहते हैं, जैसे माता पिता होते हैं ना, हित चाहते हैं सब। बच्चा अगर गलत चीज मांगता है तो माता पिता उसको देते नहीं, उल्टा कभी पिटाई भी कर देते, करते कि नहीं करते?
क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो बच्चे का हित चाहते हैं, वो गलत चीज मांग रहा है, अगर उसको दे देंगे तो उसका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भगवान है उनसे भी भक्त लोग अगर कुछ इस प्रकार से उल्टी पुल्टी चीज मांगते हैं जिससे उनका संसार बंधन बढ़ जाएगा, संसार में और डूब जाएंगे, विनाश होगा, तो भगवान उसको देते नहीं, उल्टा कष्ट दे देते। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भागवत में पूछी गई। भागवत में पूछा कि ये बताइए, नारद जी से पूछा कि ये बताइए, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको तो देखा जाता है कि बड़े दीन दरिद्र होते हैं, ऊपर से जीवन में बड़े कष्ट भी आते हैं, दूसरी ओर हम लोग देखते हैं शिव जी हैं, उनके जो भक्त हैं बड़े ऐश्वर्यवान हैं, उनको कष्ट भी नहीं है, सुख भी है अन्य अन्य देवी देवताओं के, इसका कारण क्या है? तब वहां पर यही बात बताएगी, शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। क्या वरदान दे दिया? जिसके सिर पर तुम हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। उसका हित सोचा, उसका क्या फल होगा? रावण को चंद्रहास खड़क दे दी, वरदान दे दिए, उसका क्या परिणाम होगा? उसका अहंकार बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ करके विनाश की ओर ले जाएगा। सोचा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, जो मांग रहा दे दो बस खत्म, हम और कोई मतलब नहीं। शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया, उसके बाद खुद ही परेशान हो गए। भस्मासुर ने सोचा कि इसकी पत्नी बड़ी सुंदर है, ये तो बैरागी है, इसको क्या करेगा पत्नी का, इतनी सुंदर पत्नी का, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए इसको ही पहले भस्म करता हूँ। शिव जी के पीछे पीछे लग गए, और शिव जी अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे घूम रहे। तब भगवान को स्मरण किया, जब देखा कि ये तो पीछा छोड़ता ही नहीं है, भगवान को स्मरण किया, भगवान वहां पर सुंदर ब्रह्मचारी का वेश बना करके बैठे, जिस मार्ग से वो जा रहा था भस्मासुर, और उनसे पूछा, अरे आप इतने वीर होकर के इस प्रकार से दौड़ते हुए बड़े परिश्रम से युक्त होकर के थक गए, पसीना पसीना हो गए, आखिर क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, ये शिव जी ने मुझे वरदान दिया है। अरे क्या वरदान दिया? कि जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान बोले ब्रह्मचारी के रूप में, बड़ी सुंदर वाणी है उनकी, मोहित कर देने वाली, और स्वरूप भी ऐसा ही, जैसा हम लोग सुनते ना वामन, भगवान वामन देव का स्वरूप देख करके सब लोग आकर्षित हो गए थे, सारे ऋषि मुनि तपस्वी जो वहां पर थे, यज्ञ में ब्राह्मण, वो सब भगवान के तेज को और सौंदर्य को देख करके खड़े हो गए, उनका आदर सत्कार। तो पूछते हैं कि तुमको कौन सा वरदान मिला? ये बताया कि जिसके सिर पर हाथ रखूंगा भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, तुम ही किसकी बातों में आ गए? अरे ये शिव की बातों का भी कोई भरोसा है? शमशान में रहते हैं, इनका आचरण देखो कैसा है, ऐसा कोई आचरण होता है? और ऊपर से जब से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया तब से तो इनकी बात कभी सही सिद्ध होती ही नहीं है। तुम भी कहां से इतने वीर धीर पुरुष होकर के कैसे आदमी की बातों में आ गए? तो वही सोच में पड़ गया, क्योंकि भगवान ने लॉजिक ही ऐसे दिए कि दक्ष प्रजापति ने भी श्राप दे दिया था, पर जानते नहीं है कि वैष्णवों को किसी का भी श्राप लगता नहीं, भगवान और भक्त वो किसी के भी श्राप के अधीन नहीं है। ये बात श्री चित्रकेतु महाराज के प्रसंग में भी स्वयं शिव जी ने ये बात बताई। जब चित्रकेतु महाराज को पार्वती देवी ने श्राप दे दिया, चित्रकेतु महाराज अपने वाहन से नीचे उतरे, पार्वती देवी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते हैं, जो भी आपने कहा वो सत्य सिद्ध हो, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ, ये मेरा अपना ही प्रारब्ध है, क्योंकि कोई किसी को यूं ही व्यर्थ में कोई श्राप या वरदान नहीं देता। इस प्रकार से जब चित्रकेतु महाराज का अद्भुत चरित्र देखा स्वयं पार्वती देवी ने, वो भी आश्चर्यचकित रह गई, भगवान के भक्तों की ऐसी महिमा है। जब वो चले गए अपने वाहन में बैठ करके, तब वहां पर शिव जी कह रहे हैं, देखा पार्वती देवी, भगवान के भक्तों की महिमा देखो, अरे उनकी तो इतनी महिमा है, वो तुम्हारे श्राप को निष्फल करके तुमको उल्टा श्राप दे सकते थे। तो भगवान के भक्त किसी श्राप के अधीन नहीं होते, किंतु फिर भी दूसरों का मान सम्मान रखने के लिए वो श्राप को ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी किसी श्राप के अधीन नहीं होते। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं उसको, भस्मासुर को, कि शिव को तो वरदान लगता ही नहीं है, उसका कुछ बात का कोई भरोसा नहीं है, तुमको विश्वास नहीं होता है तो अपने सिर पे हाथ रख के देख लो, कुछ नहीं होगा। बस भगवान की मोहिनी बातों में आ गया, और सिर पे हाथ जैसे ही रखा भस्म हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है, शिव जी ने वरदान दे दिया, ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी तो बात ही छोड़ो, देवता लोग ऐसे। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया, उसके बाद खुद ही परेशान परेशान घूमते।
कुछ उपाय नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मार ही नहीं सकता है, अस्त्र शस्त्र कोई कुछ उपाय नहीं, क्या करे। तो इस प्रकार से जो देवता लोग होते हैं उनके जो वरदान है अंत में देखा जाता है कि वो उनके भक्तों का विनाश का ही कारण बनते हैं। कितने सारे उदाहरण है शास्त्र में, बाणासुर का भी ऐसे ही 2000 भुजाएं थी, 996 तो काट दी भगवान। किंतु भगवान से अगर कुछ भी मांगोगे तो वो नहीं देंगे। यस्याम अनुग्रहणामि हरिसे तत्तनम ततो अदनम तेजन्ति अस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सारा उल्टा धन हर लेते हैं भगवान। तो जो अभी बताया ना कि उनको सुख तो मिलता नहीं, कभी कभी देखा जाता उल्टा दुख मिल रहा है। वो दुख क्यों मिलता है, पांडवों को देखो कितने सारे जीवन भर कष्ट आए, तो वो दुख क्यों देते भगवान भक्तों को, क्योंकि उसके जो प्रारब्ध हैं धीरे धीरे भगवान उनको काट रहे हैं। जब वो थोड़े बहुत प्रारब्ध कट गए उसके पश्चात में फिर भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों का उनको संग प्रदान कर देता हूँ। जब संग प्रदान कर देता हूँ उसके बाद में वो मेरी भक्ति करते हैं, भक्ति करने के पश्चात मुझे प्राप्त कर लेते हैं, सारी टेंशन ही खत्म। देवता लोग इसी ब्रह्मांड में पड़े रह गए और भक्त लोग ऊपर निकल गए। इसलिए शिव जी स्वयं वैष्णवों की महिमा गान कर रहे हैं भागवत में। स्वधर्म निष्ठा सद जन भी कुमान विरिंचता मेति तदा परम इमाम अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यथाम विबुदा कलाते। जो व्यक्ति 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म पालन करता है वो ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, 100 जन्म तक जो वर्णाश्रम धर्म पालन कर लेगा वो ब्रह्मा बन जाएगा। उससे भी कोई और श्रेष्ठ काम कर लेगा तो शिव जी के लोक को चला जाएगा। किंतु शिव जी कह रहे हैं मैं और ब्रह्मा भी जिस पद को अर्थात भगवान के धाम को पाने के लिए तरस रहे उसको तो ये वैष्णवों ने इसी जन्म में प्राप्त कर लिया। हम लोग जबकि नहीं प्राप्त कर सकते चाहते हुए भी जब तक हमारी आयु पूरी नहीं होती। और उनकी आयु कितनी है पता है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है कौन बताएगा, कौन बताएगा। कथा सुनकर के नोट्स बनाया करो, ये सब चीजें पता होनी चाहिए तभी तो दूसरों को शिक्षा देंगे। कल हम लोग कथा बोल रहे थे उसमें बताया ये बात कि देखो जितने भी जगत के लोग हैं वो सब बेवकूफ बना रहे, भागवत कथा के नाम पर ठगते हैं, जो मर्जी आए बोलते हैं चले जाते हैं। क्योंकि आप तो कभी पढ़ोगे ही नहीं, जब पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। जो मर्जी आए जैसे मर्जी आए, साधु सब साधु। त्रिपुंडधारी सन्यासी को हमने देखा है, कितने सारे हमारे जो भक्त लोग हैं दीक्षित हैं वो भी जाकर के उसको दान दे देते, सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर दिया। त्रिपुंडधारी सन्यासी के लिए वर्णन है, सन्यासी त्रिपुंडधारी ब्राह्मण त्रिपुंडधारी अगर उसके गलती से भी दर्शन हो जाए तो सूर्य के रोशनी में स्नान करना पड़ेगा, इतना अपवित्र माना गया उसको। और अगर उसका दर्शन कर लेता है कोई व्यक्ति तो उसको सवस्त्र स्नान करना पड़ेगा, वस्त्र भी अपवित्र हो गए, इतना अपवित्र उसको माना गया। तुम सोच रहे वाह साधु को दान दे दिया, नरक में उल्टा जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति यद्यपि शास्त्र ज्ञान के अधीन नहीं है किंतु ये सब बातें जानने के लिए तो शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता है। जितना भजन करोगे उतना पीछे भी जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता रहेगा। फिर सोचोगे कि तो इतना भक्ति कर रहे कुछ होता ही नहीं है, होगा कैसे, पॉजिटिव जितना +10 हुआ उतना -10 हो गया, जीरो हो गया, फिर थोड़ा +10 किया फिर -10 फिर जीरो, सारा जिंदगी फिर जीरो लेकर के जाना। इसलिए तत्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो महाराज जी अभी बता रहे थे धीरे धीरे वहां तक पहुंच रहे हैं कि देखो जो महाप्रभु स्वयं ये उपदेश प्रदान कर रहे हैं अपनी प्राप्ति के लिए उसी को ही भागवत धर्म कहा गया। इसलिए सभी को उपदेशामृत का पालन करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। और वो जो उपदेशामृत है महाराज जी ने जो श्लोक बताया वो उपदेशामृत का भी सार है, मतलब सार का भी सार। वो क्या है जो महाराज जी अभी बता रहे, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नैद अखिलम इति उपदेश सारम। अर्थात ये उपदेशामृत तो सारे शास्त्रों के उपदेशों का भी सार है 11 श्लोकों में, किंतु अगर उन 11 श्लोकों का भी सार बताया जाए तो ये उपदेश का। और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें होता है, क्या तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे हम तो जम्मू में रहते हैं, अब ब्रज जाए क्या, घर बार छोड़ करके नौकरी बच्चे सब छोड़ करके ब्रज चले जाए क्या,
कहते इसके लिए इन बातों को समझने के लिए साधु संग करना पड़ेगा। इसलिए अपने आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। महाराज जी ने ये सब बात बताया अभी, लेकिन वो क्योंकि विस्तार से नहीं बताया, समय का भी अभाव होता है, निरंतर साधु संग करना पड़ेगा उन सब बातों को समझने के लिए। अब देखो ब्रज किसे कहते हैं, तिष्ठन ब्रजे, इस बात को समझ। हमारे श्रील गुरुदेव एक समय अमेरिका में थे, अमेरिका में बहुत सारे भक्त लोग उनके साथ में रहते थे। गुरुजी सवेरे सवेरे उठ करके समुद्र था वहां पर किनारे ही, मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते। एक समय भक्तों ने पूछा, गुरुदेव आप प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक के लिए क्यों जाते, हम तो बद्ध जीव हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग देखते हैं साधुओं को देख करके, महाराज जी चलिए वहां पर ना, वहां बड़ा अच्छा गार्डन है, वहां फ्रेश हवा आती है, आपको ले चलते वहां पर हरि नाम करने में बड़ा आनंद आए। महाराज जी को क्या फ्रेश हवा से आनंद आएगा? ये हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है, जड़ है। उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से हेल्थ अच्छी रहती है, समुद्र के किनारे बिल्कुल फ्रेश ऑक्सीजन होती है, सारे दिन तरोताजा रहेंगे, इसके लिए मॉर्निंग वॉक। गुरु जी ने तुरंत उत्तर दिया, तुमसे किसने कहा मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, देख रहे हैं तो वो रोज मॉर्निंग वॉक जाते हैं। गुरु जी ने कहा मैं तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाता हूँ। ब्रजवास क्या होता है समझ में आया कुछ? गुरु जी कहाँ है, अमेरिका में नहीं है, गुरु जी गिरिराज जी में है, परिक्रमा लगा रहे हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है, गुरु जी समुद्र के किनारे अमेरिका में मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इसलिए हमारी दृष्टि में और उनकी दृष्टि में बड़ा अंतर है। वो जहां पर रहते हैं वही ब्रज है, उनके हृदय में ब्रज है, वो ब्रजवासी है। ब्रज को छोड़ करके एक कदम भी बाहर रख ही नहीं सकते हैं, ये ब्रजवास है। दूसरा उदाहरण देता हूं, एक समय शिले गुरुदेव एक फिजी में एक द्वीप है, रमणक द्वीप जो सुना है ना, कालिया दमन लीला है वहां पर, फिर जो कालिया रमणक द्वीप में चला गया था वापस अपने सब परिवार के साथ। तो एक बार गुरुजी वहां पर गए बोटिंग करने के लिए, तो बहुत सारे लोग जो गुरुजी से द्वेष करते थे उन्होंने जाकर के फैला दिया कि नारायण महाराज तो वहां समुद्र में जाकर के बोटिंग कर रहे हैं। समझना इस बात को, बद्ध जीवों की चित्त वृत्ति और शुद्ध भक्तों की चित्त वृत्ति में कितना अंतर हो। अगर अपने बुद्धि से ऐसी बात बनाने की सोचोगे ना तो मन में आएगा ही नहीं ऐसी बात, लेकिन गुरु जी एक बोल कुछ बोलो साथ साथ उत्तर देते, कहते हैं कौन कहता है मैं बोटिंग करने गया था, मैं तो कालिया के जो परिवार के लोग हैं उनको देखने के लिए गया था, वो सब भक्त हैं। अब सोचो वो समुद्र फिजी में जो रमणक द्वीप है वहां समुद्र के बीच में, उनको क्या दिखाई दे रहा है, हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है जैसे हम बोटिंग करने जाते हैं चिल्का झील में, समुद्र में नदियों में तैरने के लिए आनंद लेते हैं, ऐसे गुरु जी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या दिखाई दे रहा है कि कालिया ने ब्रज में वास किया था, उसकी पत्नियां भक्त थी, बाद में कालिया भी भक्त बन गया, कालिया की क्या स्तुति की है, कस्यानु भाव अस्य न देव पित महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यद वांछया श्री ललना चरण तपो व्याय कामन सुचरण गत होता। जो चरण रेणु प्राप्त करने का सौभाग्य लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्मी जी आज भी बेल वन में जाकर के तपस्या कर रही हैं, हे प्रभु इस कालिया ने क्या ऐसा तपस्या की है, इसको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ क्योंकि भगवान साक्षात उसके सिर के ऊपर अपने चरणों को रखे हुए, वो चरण धूली तो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं होती। ब्रज में आई लक्ष्मी जी, बड़ी तपस्या की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा भक्त है कालिया। गुरु जी क्या उनकी चित्त वृत्ति देखो और हमारी चित्त वृत्ति देखो, हमको बोटिंग दिखती है, उनको भक्त दिखते हैं, ब्रज में रहते हैं वो सब समय। एक समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया, उनके जो गुरु जी थे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उन्होंने कहा था कभी कली की राजधानी कलकत्ता में मत जाना। कलकत्ता क्या है कि मेट्रोपॉलिटन जितने भी सिटीज हैं वो सारा भोग विलास, हम तो रहे बेंगलोर में ना देखा, वो सारी रात तो दिन जैसा ही है, सारी रात भर मॉल खुले रहते हैं, सारी रात भर कारें चलती रहती हैं, लगता ही नहीं कि पता नहीं क्या दिन हुआ भी क्या, रात हुई क्या पता ही नहीं चलता, दिन रात एक जैसा है। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं कभी कलकत्ता नहीं गया। और तो बड़े आश्चर्य की बात है, कैसी बात करते कलकत्ता नहीं गए, वो पहला मठ प्रभुपाद ने कलकत्ता में ही बनाया, बिना कलकत्ता जाए क्या मठ बन गया,
अब देखो चित्तवृत्ति किसे कहते हैं, ब्रजवास किसे कहते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते मैं सब समय वैकुंठ में वास करता हूँ। नाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। फिर कहाँ रहते हैं, कहते मदभक्ता यत्र गायन्ति। प्रभुपाद ने मठ की स्थापना की, उस मठ में क्या होता है, सुबेरे मंगल आरती होती। महाराज जी भी बता रहे थे साक्षात सेवा कुंज प्रकाशित किया प्रभुपाद ने। ये वो कलकत्ता में जाते हैं, वो सेवा कुंज के अंदर सब समय रहते हैं, राधा जी की सेवा में नियुक्त रहते हैं। वो जहां भी जाते हैं वही ब्रज है, क्योंकि ब्रज तो उनके हृदय में रहता है। वो जहां पहुंच गए वही ब्रज है, वही राधा जी है, वही कृष्ण है। इसीलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो लोग गए होंगे पुरी से 20 किलोमीटर दूर अलारनाथ एक स्थान है, वहां पर राधा कुंड की स्थापना की। राधा कुंड की स्थापना कैसे करती, हमारी तरह जहां मन में आया चलो यहाँ ये बना देते यहाँ ये बना देते, ऐसा है क्या? उनको वहां साक्षात राधा कुंड के दर्शन होते, जहां पर उनको राधा कुंड के दर्शन होते वहां उन्होंने स्थापित कर दिया। लेकिन हम तो उसको नहीं समझ सकते, कहां पुरी से 20 किलोमीटर दूर कहां राधा कुंड। हम तो सोचते राधा कुंड तो गोवर्धन में है, क्योंकि वो सब समय ब्रज में वास करते। एक समय श्रील प्रभुपाद पुरी में थे, उन्होंने कहा हम लोग अलारनाथ चलेंगे, क्योंकि जब अनवसर काल होता है जब जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं उसके बाद 15 दिन तक जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं। उसके बाद में तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए सभी लोग अलारनाथ जाते हैं, क्योंकि महाप्रभु जाया करते थे। तो उनके शिष्यों ने कहा प्रभुपाद वहां पर बहुत गर्मी है, तो प्रभुपाद ने बस एक श्लोक बोला और कुछ नहीं बोला। क्या बोला, उस श्लोक का तात्पर्य क्या था? उस श्लोक का तात्पर्य था कि राधा जी कृष्ण के साथ में लीला विलास करने के कारण अत्यंत थकी हुई हैं, उनके श्रीमुख पर पसीने की बूंदे शोभायमान, और वहां पर हमारी सेवा है कि हमको उनकी भीजन करना है। क्या कहना चाहते हैं, वहां पर अलारनाथ में क्या सेवा है उनके लिए, वहां पर राधा कृष्ण की लीला हो रही है, वहां पर राधा जी जो है थक गई है परिश्रम के कारण, लीला विलास से परिश्रम के कारण, और अब कृष्ण जो उनकी मंजरियां हैं, मंजरियों की क्या सेवा होती है, वो उनको बीजन करती हैं, उनको चामर डुलाती हैं, उनको पंखा करती हैं, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। हम क्यों जाते हैं, अलारनाथ चलो वृंदावन चलो घूम के आते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करके आएंगे, वहां लस्सी पी करके आएंगे, वहां का जो सामने है ना वो चीला 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 का बड़ा नाम सुना हमने। कोई भक्त हमसे कह रहा था प्रभु जी वहां चीला खाएंगे, हमने कहा हम तो 10 साल हो गए कभी खाया नहीं, क्योंकि हम तो वहां चीला खाने के लिए नहीं रहते ना। तो लेकिन ये चित्त वृत्ति समझो क्या है, तिष्ठन ब्रजे। महाराज जी ने कितने सामान्य रूप से, क्योंकि क्या बताए अभी महाराज जी समझते ये बात को, कि अभी लोग समझ ही नहीं पाएंगे ब्रज में वास का क्या मतलब है, इसलिए उन्होंने तो शॉर्ट रूप में बता दिया। लेकिन अगर इसको विस्तार रूप से बताया नहीं जाएगा तो समझोगे ही नहीं कभी कि ब्रज में वास का मतलब क्या होता है। ये ब्रजवास है, अर्थात हम जहां पर भी जाएंगे राधा कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से जाएंगे, जहां पर भी जाएंगे वैष्णवों की सेवा के उद्देश्य से जाएंगे। मठ में किस लिए आते, घूमने के लिए नहीं आते, यहाँ पर सेवा करने के उद्देश्य से आओ। नहीं तो हम तो कोई सेवा नहीं कर सकते, कोई मान लो बहुत बूढ़ा है पीछे बैठा है बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कथा कीर्तन श्रवण करना भी सेवा है उसके लिए है। लेकिन तुम्हारे शरीर में सामर्थ्य है और तुम बहाना करके बैठे हो कि वो प्रभु जी ने तो बोला था कथा कीर्तन करना भी सेवा है, खाओ पियो निकल लो, तो ऐसे नहीं चलेगा। भगवान कपट वत्सल नहीं है, भगवान भक्त वत्सल है। तो ये चित्त वृत्ति होनी चाहिए। तिष्ठन ब्रजे, ब्रजवास का क्या मतलब होता है। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं, ललिता सखी के अवतार हैं, वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, ब्रज में आए ही नहीं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों के सामने बोला स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवासी। बताओ जो व्यक्ति ब्रज में कभी आया ही नहीं उसको महाप्रभु क्या करें, बोल भी कौन रहा है। कोई साधारण व्यक्ति बोलता तो हम लोग कहते कह रहे इनके बोलने की इनकी बात की क्या वैल्यू, बोल कौन है, स्वयं कृष्ण ही बोल रहे हैं। ये स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं क्या, महाप्रभु तो झूठ नहीं बोलते। फिर क्या तात्पर्य हुआ, कहते स्वरूप दामोदर गोस्वामी सब समय ब्रज के भावों में डूबे रहते, सब समय ब्रज के भावों में डूबे रहते। कैसे ब्रज के भावों में डूबे रहते, एक समय श्री गुरुदेव कहीं कथा कर रहे थे बाहर, कहीं कथा कर रहे,
कथा करते करते देखो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इससे समझ में आएगा वैष्णव लोगों को जो क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, देवता भी जो है वैष्णवों की क्रिया मुद्रा को समझ नहीं पाते, वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। हम लोग कई बार देखते हैं वैष्णव लोग मंगलाचरण करते करते गुरु जी मंगलाचरण भूल गए, पता जी हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग सोचेंगे गुरु जी लोग भूल गए इसलिए याद दिला देंगे, वो श्लोक बोल दिया। गुरु जी हंसने लगे, कहते मैं तो ब्रज में चला गया था, उनका मंगलाचरण शुरू हुआ वो ब्रज में पहुंच गए, वो ब्रज में पहुंच करके इतने अधिक आविष्ट हो गए कि उनको पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या मंगलाचरण चल रहा है। इसको ब्रजवास कहते हैं, वो एक क्षण भी ब्रज के बाहर कहीं पैर नहीं रखते, जैसे कृष्ण कह रहे हैं वृंदावन प्रत्यजम पादम एकम न गच्छति, कृष्ण ब्रज को छोड़ करके एक चरण भी बाहर नहीं रखते। उसी प्रकार से जो उनके जो शुद्ध भक्त हैं, उस कोटि के जो भक्त हैं, जो हमारे सारे ये गुरुवर्ग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब ब्रजवासी हैं, ये ब्रज को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं रखते, ये ब्रजवास है, इसको ब्रजवास कहते हैं। इसलिए जम्मू में हो चाहे लंदन में हो चाहे अमेरिका में हो, उस बात से कोई फर्क नहीं। उन बातों से कोई अंतर नहीं पड़ता है। ब्रज को समझो, ब्रज की भक्ति क्या है उसको समझो, ऐसे महापुरुषों का संग करो। महाराज जी ने हमारे गुरुदेव का कितना संग किया, इसलिए तो महाराज जी के जो है सारे विश्व में वही गुरुदेव की वही वाणी का प्रचार कर रहे हैं, ब्रज की भक्ति का। लेकिन हम जानते हैं महाराज जी के हृदय की बात, कि जब प्रचार करते हैं ना तो भीतर से संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि प्रचार में क्या क्या बातें बोलनी लगती है, प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, ये ब्रज की भक्ति की बात क्या बोले, हृदय में बड़ा दुख होता है। गुरु जी कितनी बड़ी वस्तु को देने के लिए आए, महाराज लोग कितनी बड़ी बड़ी वस्तु को जगत को देना चाहते हैं, पर उनका समय तो उसी में चला जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन ही नहीं छोड़ रहे, तो ब्रज की भक्ति क्या बताएं। इसलिए बताया सारे जो वैष्णव लोग हैं जिनको गुरु जी की कृपा से वो चीज प्राप्त हुई है, उन लोगों को बहुत दुख होता है। आप लोग तो सोचते महाराज जी बहुत अच्छा कथा बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी के हृदय में पूछो, उनको हृदय में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको पास बहुत बड़ी वस्तु है देने के लिए, लेकिन दें किसको। गुरु जी भी आए, प्रभुपाद आए, महाप्रभु आए, सब आकर के चले गए। महाप्रभु के जब अप्रकट लीला जब होने से पहले श्री अद्वैताचार्य जी ने एक श्लोक लिखा था बड़े गुप्त रूप में, उसका अर्थ यह था कि आपने जो बाजार खोला था, जो बाजार लगाया था, वो बाजार में अब जो आप वस्तु को बांट रहे थे, वो बांटने अब कोई खरीदने वाला ग्राहक बचा ही नहीं है। अब यहाँ क्या कर रहे हो, जब भाई बाजार में आपने मान लो यहाँ पर जो चीज बिकती है, अब मान लो कोई वैष्णवों का ही एरिया है जहाँ सारे वैष्णव लोग रहते हैं, अब वहां कोई शराब की दुकान खोल ले तो फायदा होगा कुछ, कोई बिकेगी नहीं, जब बिकेगी नहीं तो क्या करेगा, वो दुकान बंद कर देगा। तो अद्वैताचार्य जी यही कह रहे हैं कि आप जो बाजार आपने जो लगाया था, क्या प्रेम रूपी फल लेकर के आए थे, जितने ग्राहक थे उन सबको तो आपने बांट दिया, जिनको वो चाहिए थी वो सब बांट दिया, अब कोई ग्राहक ही नहीं बचा है, तो फिर अब यहाँ पर ये हाट लगाने से अर्थात बाजार लगाने से फायदा क्या है, इसलिए चले जाओ। उसी प्रकार से हमारे जितने भी गुरुजन है वो इतनी ऊंची वस्तु को लेकर के आए, बताए ना ब्रजवास किसे कहते हैं, उनका कितनी कैसी ऊंची, सब समय राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहते, वो इतनी ऊंची वस्तु को देने के लिए है, लेकिन देखते हैं बाजार में तो कोई खरीदार ही नहीं, कोई खरीदार ही नहीं, फिर क्या करें अपना, फिर वही है जैसे कि जो वो होता है दुकान वाला क्या करता है, अपनी दुकान को बंद किया, सामान समेटा, बैठ किया, चला गया। ऐसे सब गुरु वर्ग आए चले गए, ऐसे ही और लोग भी चले जाएंगे। इसलिए भाई थोड़ा बहुत अपनी पात्रता बनाओ, जब तक पात्र नहीं होगा तब तक वो ब्रज भक्ति कहाँ से ले लोगे। सारा जीवन भर हमने देखा कई बार सारे चतुर्मास शुरू होता है, बस टमाटर की चर्चा चली 4 महीने तक, अरे टमाटर से ऊपर उठोगे कि नहीं कभी, राधा कृष्ण की सेवा की बातें करोगे कि नहीं कभी, गोस्वामी गुरुवर्ग कितने कितने ऊंचे ऊंचे भाव देने के लिए आए, रघुनाथ दास गोस्वामी के कैसे कैसे विचार, श्री रूप गोस्वामी के कैसे कैसे विचार, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं कि पढ़ करके बिल्कुल
तन मन बुद्धि सब बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है। क्या है ये चमत्कार होता है, पढ़ करके इतना आनंद होता है कि हम कैसे संप्रदाय में आए, ऐसी जगत को कुछ भी पता ही नहीं है, ऐसी बातें उन सब में कब डूबोगे जब सारे जिंदगी प्याज लहसुन टमाटर इन सब में जाकर सारा जीवन बिता दिया। इसलिए थोड़ा ऊपर उठो, तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास करो, ब्रजवास क्या है उसको समझो। इसीलिए भक्तों का संग करो जो ब्रज में वास करते हैं, ऐसे भक्तों का संग करो। ब्रज में वास मतलब शरीर से नहीं होगा, चित्त वृत्ति वैसी होनी पड़ेगी। तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, उनके जो अनुरागी जन है उनका अनुगमन करना पड़ेगा। अनुरागी जन बताए ना कैसे कैसे, एक समय से भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य करते, नृत्य में इतने आविष्ट हो गए, एक चोर ने देखा मौका, चोर ने मौका देखा कि हाँ यही साधु तो अपना कीर्तन में मग्न है, तो चुरा लो। वो बैग में हाथ डाल रहा था, बैग में हाथ डाल रहा था, एक ब्रह्मचारी ने देख लिया। भाई वो तो महाभागवत है, वो तो पूरा कृष्ण के प्रेम में आविष्ट है, उनको तो कुछ पता नहीं है बाहर, लेकिन ब्रह्मचारी तो हमारे जैसे बद्ध जी वो तो देख रहे। अच्छा हाथ डाला, पकड़ लिया उसको, पकड़ करके महाराज महाराज देखो चोरी कर रहा है, महाराज को ध्यान ही नहीं दिया, वो अपना कीर्तन में आविष्ट है। ये ब्रह्मचारी थोड़ी देर बाद वो सोच रहा है मैंने बड़ा अच्छा काम किया, चोर को पकड़ लिया, महाराज जी खुश होंगे। फिर महाराज जी को थोड़ा और दोबारा दो तीन बार बोला तो महाराज ने क्रोध में आकर चुप, अरे ये पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये भाव फिर आएगा दोबारा। इसको कहते हैं तद अनुरागी जन, उनके अनुराग कैसा, कृष्ण के प्रति अनुराग है, जिस समय उनके प्रेम में आविष्ट हैं तो यहाँ का कुछ सुधबुद्धि नहीं है, इसको कहते हैं उनके अनुरागी जन। ये जगत की चीज लेने के लिए या देने के लिए वो नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि क्या है भाई, तो ये सब बातें समझने अनुरागी उनके कौन से महाप्रभु। देखो जब कृष्ण के प्रति अनुराग होता है उसके बड़े लेवल होते हैं। एक महाप्रभु भी है जिस समय वो राधा जी के भाव में आविष्ट होकर के समुद्र में छलांग लगा दी, समुद्र में छलांग लगा दी, उनका शरीर तो बारह हाथ का हो गया, सारे ये जॉइंट हैं जितने सारे खुल गए, और सारे जॉइंट खुलने के बाद में बारह हाथ का शरीर हो गया। एक मछुआरे ने जाल डाला जब वो खींचा तो देखा तो इसमें बड़ी मछली फंसी, हाथ तो बड़ा भारी मछली क्या हो, तो देखा बारह हाथ के महाप्रभु, बाहर निकाला जैसे ही स्पर्श किया तो हरी बोल हरी बोलो, तो अपने आप हरी बोलो बोलने लगा। अब सारे भक्त लोग बड़े परेशान हैं, महाप्रभु को ढूंढ रहे हैं मिलते ही नहीं है, ढूंढते ढूंढते समुद्र के किनारे आए, देखा एक मछुआरा सामने से हरी बोल भक्तों को पता चलेगा यही होंगे महाप्रभु, क्योंकि ये मछुआरा मछली मारने वाला आदमी ये भगवान का नाम क्यों लेगा, इसका मतलब महाप्रभु की कृपा हुई है इसके ऊपर, उनके दर्शन के प्रभाव से ये हरी बोल बोल रहा है। तो उसको बोला कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा, थोड़ा उनका स्वरूप बताया गौर वर्ण का ऐसा, तो मछुआरा कुछ बोलता ही नहीं, वो तो हरी बोल आविष्ट है प्रेम। तो स्वरूप दामोदर को समझ में ये थप्पड़ मारा उसके भाई स्फूर्ति हुई थोड़ी, फिर उसे पूछा तो कहता है अरे पता नहीं क्या हुआ जाल में एक आदमी फंस गया, उसको जब से मैंने स्पर्श किया मुझे भूत लग गया है, मेरे मुख से अपने आप हरी बोल लिख। तो सब भक्त लोग समझ गए कि महाप्रभु यहीं पर होंगे, सारे भक्त लोग गए वहां, और वहां पर जाकर के जब देखा महाप्रभु तो प्रेम में आविष्ट होकर के उनका शरीर तो बारह हाथ का हो गया है, तो भक्तों ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। जब भक्तों ने कीर्तन करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे महाप्रभु को पाय दशा लाभ होने शुरू हुई, उनका शरीर फिर वैसा ही हो गया। जैसे ही महाप्रभु थोड़ा बाय अर्ध पाय दशा में आए तो देखा सारे भक्त लोग कीर्तन कर, तो भी महाप्रभु का पूर्ण रूप से पाय दशा हुई नहीं, अर्ध पाय दशा अर्थात आधा तो भावाविष्ट है आधा थोड़ी बाहर की स्फूर्ति हुई। तो महाप्रभु कह रहे हैं ये कौन शोरगुल कर रहा है। अब देखो इस बात को समझना, भगवान के अनुरागी जन की क्या अवस्था होती है, महाप्रभु क्या कह रहे हैं ये कौन शोरगुल कर रहा है। अब ये बताओ जो हरि नाम संकीर्तन है वो कोई शोरगुल होता है, शोरगुल क्या होता है, गाना बजाना ये सब उल्टी सीधी बातें करना ये सब पंजाबी गाने चलाना ये सब शोरगुल होता है, व्यर्थ की बातें करना ये सब शोरगुल होता है। महाप्रभु लेकिन क्या कह रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन को भी शोरगुल बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, कारण क्या है,
कारण है कि वो इतनी उन्नत दशा को प्राप्त कर चुके थे, कह रहे मैं तो कुसुम सरोवर में राधा जी पुष्प चयन कर रही थी, मैं तो वहां उनकी सेवा कर रहा था। अब उसके कंपैरिजन में जब विचार करोगे तो ये शोरगुल है, क्यों? साक्षात राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए। इसलिए हम लोग बताए महाभागवतों की जो चरित्र है उनका समझ नहीं सकते। गुरु जी जिस समय ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे उस समय पहले सारे भक्तों को बोल देते थे अगर मैं कभी भावाविष्ट हो जाऊं तो कभी छूना नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं, देखो हम लोगों का स्वार्थ कैसा है, हम लोग सोचते हैं वाह गुरु जी समय भाव में आविष्ट है, राधा जी के प्रेम में आविष्ट है, हम छू लेंगे तो हमको कृपा मिल जाएगी, हमको कृपा चाहिए, उनका भाव भंग हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस एक बार गुरु जी ऐसे भावाविष्ट हो गए, एक प्रभु जी उन्होंने जाकर के पैर पकड़ लिया, गुरु जी उसको एक लाख मार सारा भाव भंग कर दिया। तो ये इतनी उन्नत दशा है, तन अनुरागी जन, ये होते हैं भगवान के अनुरागी जन, इस प्रकार से सब समय भगवान की सेवा में आविष्ट रहते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर रहते, 24 घंटे में कुछ भी खाते नहीं, बस एक ब्रजवासी आकर के उनको एक छोटे से दोने में आकर के मट्ठा दे जाता था, वही पी लेते थे। एक समय उनका पेट खराब हो गया, जितने भी भक्त लोग थे परेशान हो गए, सोचने लगे क्या है, क्यों पेट खराब हो गया। राज वैद्य को बुलाया, कोई छोटा मोटा वैद्य नहीं, राज वैद्य को बुलाया गया। राज वैद्य ने नाड़ी चेक की, नाड़ी चेक करके बताया इन्होंने तो कुछ दूध की बनी हुई वस्तु खाई, खीर खा ली, इससे इनका पेट खराब हो गया। अभी सारे ब्रजवासी जो थे बड़े गुस्से में आ गए, अरे तुमको पता है ये बाबा कैसे हैं, इनका वैराग्य सारे ब्रज में प्रसिद्ध है, सारे 24 घंटे में पूरा सिर्फ एक दोना मट्ठा पीते हैं, तुम कह रहे हो खीर खा ली। डॉक्टर के ऊपर गुस्सा हो गया, डॉक्टर भी बड़ा कॉन्फिडेंट वाला था, उसको अपनी विद्या पर पूरा विश्वास था, उसने कहा मैं अपनी विद्या का जितना भी मैंने सीखी है आज तक उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, इनसे पूछ लो आप इन्होंने खीर खाई। सारे ब्रजवासी लोग क्या करें, तो बाबा से पूछने लगे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी हंस लगे, हंसते हुए कह रहे हैं कि आज मैंने मानसिक रूप से ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया, मानसिक रूप से, फिर राधा जी ने वो प्रसादी खीर मुझे दे दी, मानसिक रूप में, तब तक राधा जी ने प्रसादी खीर दे दी, मानसिक सेवा चल रही है, और फिर राधा जी स्वयं राधा जी अपने हाथ से दे रही है, कौन नहीं खाएगा। फिर मैंने वो खीर खा ली, वो सब मानसिक सेवा चल रही है लेकिन पेट यहां खराब हो गया। इसको कहते हैं तद अनुरागी जन, अर्थात राधा कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त जिनके मन में एक क्षण के लिए कुछ और वस्तु आती ही नहीं है, वो सब समय उन्हीं भावों में डूबे रहते हैं, इसको कहते हैं तद अनुरागी जन। और उनका फिर अनुगमन करना पड़ेगा, उनका अनुगमन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। ऐसे हम जाकर के सोचे अच्छा ठीक है तो मैं भक्ति रसामृत सिंधु किताब खरीद लूंगा, मैं उज्जवल नीलमणि ग्रंथ खरीद लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। साधुओं के संग में जाना पड़ेगा, साधु संग करना पड़ेगा, उनसे जब भी संभव है साक्षात रूप में जाकर के हरि कथा सुननी पड़ेगी, और वो जो बात को कहते हैं उसका पालन करना पड़ेगा, उसमें अपनी टीका टिप्पणी नहीं चलेगी। ये कहते हैं अनुगामी, अनुगमन करना। तो ये इस प्रकार से जो महाराज जी कह रहे थे उसमें भी बड़े तद अनुरागी जन हमारे। कितने बजे होते हैं? सा टाइम हो गया? हाँ, तो बस एक मिनट में मैं फिर खत्म कर सकता। कल का प्रोग्राम कर, कल का प्रोग्राम करके एक मिनट में खत्म कर। तो तद अनुरागी जनानुगामी जो महाराज जी अभी कह रहे थे साधु संग करना पड़ेगा। देखो प्रहलाद महाराज ने बताया ये बात, जब प्रहलाद महाराज को संत और अमर ले गए पाठशाला में और कहने लगे अरे चंदन के जंगल में तू कलंक बबूल कहां से उगाया, तूने सारे कुल को हिरण के शबू के कुल को कुलांगार, ऐसे करके उल्टी सूदी भाषा कहते हैं, तेरी मति कृष्ण में लग कैसे गई, हमने तो सिखाया नहीं फिर कैसे लग गई। तो प्रहलाद महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं कि देखो भाई इसमें मेरा कोई दोष नहीं, जैसे यहां पर एक चुंबक रखा हुआ है उसके पास में अगर तुम लोहे को ले जाओगे तो कुछ करना पड़ता है क्या, जबरदस्ती चिपकाना पड़ेगा, वो चुंबक अपने आप ऑटोमेटिक खींच लेगा। उसी प्रकार से मेरा मन तो अपने आप कृष्ण में लग जाता है,
मैं क्या करूं, मतलब कहीं भी खड़े होते हैं लग जाता है। जैसे भी बताया ना गुरुजी, चाहे देश में विदेश में दुनिया में कहीं भी हैं, श्रील प्रभुपाद कहीं भी हैं, उन सब समय किसके भाव में, ब्रज के भावों में डूबे रहते हैं। तो अपने आप मन लग जाता है, मैं क्या करूं। तो फिर उसमें बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, इसलिए फिर अंत में उन्होंने बताया, नैसा मतिस्तावत रुक्रमांग्री स्पृशति अनर्थाप गमो यदर्थ महिषाम पाद रजो अभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावक। साधु संघ की महिमा ही बताई अंत में, कि तुम सोचो कि अपने आप मति लग जाएगी भगवान में, संभव ही नहीं है। कल समय होगा तो फिर ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़े फिर कल से व्याख्या करेंगे। शॉर्ट में यही बताया कि देखो अपने आप भगवान के चरणों में मति नहीं लग सकती, उसका एक ही उपाय है, महिषाम पाद रजो अभिषेकम। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनकी मति ऑलरेडी भगवान में लगी हुई है, उनके पास जाकर के उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब उनकी कृपा से मति लगेगी। हम लोग ये जगत में भी जानते हैं, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। एक कोई दुकान है कपड़े की, उसमें तुम लोहा खरीदने चले जाओ मिल जाएगा, लोहे की दुकान में कपड़ा खरीदने चले जाओ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई। हम तो लोहा खरीदना चाहते हैं, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां लोहा है ही नहीं, अर्थात जिसके पास जो वस्तु है वो वही तो दे सकता है। इसीलिए अगर हमारी ही मति अगर कृष्ण में नहीं लगी है, तो हम दूसरे की मति को लगा कैसे सकते। यही बात प्रहलाद महाराज साधारण शब्दों में कह रहे हैं कि महिषाम पात्र जो अभिषेकम, अर्थात ऐसे साधुओं को हमको ढूंढना पड़ेगा जिनकी मति ऑलरेडी कृष्ण में लगी हुई है। जिनकी मति लगी हुई है, अब वो हमारी मति भी कृष्ण में लगा देंगे। फिर इसका फिर कल से हम लोग फिर इसको और श्रवण करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।